चलो अब जो होना था जो हो गया, अब हमारी रियासत भी कायम होगी, तुम्हारी है। लेकिन ये तो नहीं होने देंगे। आप देखिएगा, इस खत ने वो काम करना है जो इसराइल की तारीख में कभी कोई खत नहीं कर पाया। आप सोचिएगा, जब ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि हम गजा को मलियामेट करेंगे, हम वेस्ट बैंक को करेंगे, छोड़ दे मुसलमानों को, इसराइली सड़कों पर आएंगे। अल्लाह के प्लान से डिफरेंट होते हैं। इसराइल प्लान बनाकर बैठा हुआ था हम ये करेंगे। आप देखेंगे इस खत ने वो नुकसान पहुंचाना है इसराइल को, इतना नुकसान पहुंचाना है कि जब ये मलियामेट करने का प्लान बनाकर रखा हुआ इन्होंने कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लोग आएंगे, लोग आकर इनको कहेंगे कि इनफ इज इनफ, हो गया है, तुम लड़ाई ना करो, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम इनके साथ रहेंगे। आप देखते जाइएगा, लोग सड़कों पर इसराइल के खिलाफ आएंगे। और इस खत ने वो नुकसान किया है कि शायद इसराइल के बड़े कभी जिंदगी में वो सोच ही नहीं सकते थे, इतना नुकसान। और ये पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है और हैरान हो रहे हैं लोग कि यार ये लोग। फिर वो उनको वो इवान रेडली और वो याद आएंगे जो अफगान तालिबान की कैद में थे। देखिए, सच ने कभी ना कभी तो बाहर आना था, आज वो सच सामने आ गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।